बेटा मैं कितना सफर करूँ, मैं सफर मेरे पौधा नहीं है, इतना दुख भरया है, मैं कह नहीं सकती और आगे। इतना पौधा कैर बरस गया, ईसा किसी माँ का गला ईसा गंदा काम ना हो, अगर जो कि और डूढ़ बेटे चले जाओ, हमें ना इंसाफ चाहिए बेटा, भाई पीछे थे पीछे ले लो रे, 6 दिन का उसका लड़का है, आज 12 दिन के कोई है जच्चा, तो उस पर के बीतरी है, मैं माँ हूँ, और डूढ़ बेटे नौजवान बेटे चले जागे इस दुनिया में थे, तो रह के जागा बेटा है ना, मैं गणित फिलहाल भिवानी जिले के राजपुरा खरकड़ी गांव में है, और एक दुखद खबर यहाँ पर सामने है कि दोस्तों ने ही दोस्त की जान ले ली। ये बताया जा रहा है कि 6 दिन का इनका लड़का था और छठी मनाई गई, छठी की जो खुशियाँ थी और छठी की खुशियों के बाद जो अगले दिन बाजार में घी लेने के लिए की गई थी सुबह 10 बजे, और वहाँ पर दोस्तों के साथ जो पार्टी की होगी और दोस्तों ने उसका जो मर्डर कर दिया, जिसका जो सुबह पता चला, जैसे सामान लेने के लिए सुबह 10 बजे गई थी घर से निकले थे, लेकिन अगले दिन है जो सुबह लाश ही मिली है, तो एक बुरी खबर है। तो पूरा मामला की है किस तरह से क्या होया है, तो सारी बातचीत जो परिवार तक करेंगे। राम बज की माता जी हो जी आप हैं जी, तो आप तक कुछ बताया कि किस तरह की बात हुई है या फिर किस तरह के रंजिश बाजी थी या फिर लड़ाई झगड़ा था? ना पल्ला की कोई रंजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। घर तक के कुछ कह के गया था? घर तक गया था बेबे, वो है ना एक तो उसका फोन खो गया था, सिम बंद करवाने गया था। अच्छा। फिर उसका मौसम है ना 10,000 रुपये लेके ना उसने फोन कर दिया, भाई मन राम बजती दे दिए 10,000 रुपये, तो सामान ले आने गया था, माँ की मैं घी गया ले आऊँगा और मैं टाइम तय आ जाएगा, रोटी भी नहीं खा के गया, पूरी रात बेटे इंतजार करया कोनी आया, सवेरे है ना उसकी लाशें मिली, इतना बेरहमी तो है ना, इतना बेरहमी तो है ना, वो मारया मेरा बेटा, कोई है ना अंदाजा नहीं है। अरे तू 10,000 रुपये ले ले रहे, जिंदगी है ना किसी की लेनी आसान बात नहीं है, फिर उन्हें तो ये ऐसी आसान बना दी, इतना मातम छह गया इस घर में, वो इतना बूंदा कैर बरस गया, ईसा किसी माँ का गला ईसा गंदा काम ना आई हो, अगर जो कि उड़ उड़ बेटे चले जाओ, हमें ना इंसाफ चाहिए बेटा, मैं इंसाफ चढ़ा कहना चाहूँ और इंसाफ मन चाहिए, भाई किस कारण तक मारा गया है यो खुलासा है ना करवाना चाहूँ हूँ मैं, किस कारण तक मारा गया, भाई पीछे थे पीछे ले लो रे, 6 दिन का उसका लड़का है, आज 12 दिन के कोई है जच्चा, तो उस पर के बीतरी है, मैं माँ हूँ, उड़ उड़ बेटे नौजवान बेटे चले जागे इस दुनिया में, तो रह के जागा बेटा है ना, मैं गणित कितने की उम्र थी राम बज की? 30 साल भी कोनी, 28-30 साल का मसा था, पहला बेटा है उसका जेठा, जेठा ही लड़का है, जेठा ही लड़का है, और उसकी माँ का रहम सुनोगे तो वह है ना पीछे की इतनी दुखिया है ना, उसके माँ ना उसके बाप है, और उसका सिरकासा भी चला जा, हर माँ का बेटा चला जा है, और बाप का बेटे का बाप चला जा है, तो जिंदा क्यों करो इस लड़ते पड़ेगा, उतड़ के है ना भगवान उसका जिंदगी लगावा, उतड़ के बाप भी मांगेगा, मामने भी नहीं पूछेगा माँ मेरा पापा किस, बेटा मैं कितना सफर करूँ, मैं सफर मेरे पौधा नहीं है, इतना दुख भरया है, मैं कह नहीं सकती और आगे। हाँ छठी मना ली थी, छठी आला दिन उसका फोन है ना परली बस्ती में ठा लिया था, फिर वो सवेरे उठा है उन्होंने पूछताछ करके आया है, कहिया तो पूछे भैया हमने तो नहीं मिला, फिर बोले मैं यह सिम बंद करवाया हूँ, सिम बंद करवाने गया पीछे है ना मुझ सब बाजार ते लिए बैंक ते, बैंक तरफ ये लिए हैं, फिर वो मौसम ने फोन कराया भाई मैं राम बस का फोन तो है नहीं, मैंने पीछे दे दिए, और ना सामान लिया ना बेटा उल्टा ही नहीं आया, उसकी तो लाशें आई, बड़ा बेरहमी तो मारा हो, ईटा तवार कराया है यारी दोस्ती कुछ है कौन थी उनके साथ में? दे बेटी मन ने नहीं बेरा माँ ने कौन बताओ है भाई यार दोस्तान भी दो कदे आए जाए ना अपने घर नहीं आए कदे भी कदे नहीं आए नाम नुम सुने आवाने फोन पालन दे ना छट्टी थी छट्टी बाद उसका दोस्तों ने पार्टी पूर्ति देने दे पार्टी तो आग लेन कह है भैया मैंने पार्टी ली है पार्टी ले के मारया हो इसने पार्टी दे दला हां दे ही है दही है वो खुद कहे है भैया हमने तो के बेरा भाई पूरे दिन में उन्हें के करया के नहीं भाई वो तो पूरे दिन का ही उड़ा फिर रात लिकड़गी तो किस टाइम मारा है उसका तो हमने तो पता ही नहीं लग गया भाई उसका गला के कारण होया है किस वजह तो मारा है
नशा नशा करे दे दारू पिया कर दे दारू तो बिल्कुल कौन पिया कर दा उस दिन बैठ के पी हो तो उसने पियो भैया हम कुछ नहीं कह सकते देख हमने तो हने लाशें मिली थी ना पल्ला हने नशा यो दारू दुपारू का नशा नहीं कराया करता कितने बच्चे हैं दिराम पर जेठाई है कितने बच्चे कड़े है एक साल हो रामबज के साथ दिन ढाई एक साल हो हाँ जेठाई लड़का हाँ जेठाई लड़का परिवार में खुशी अच्छा रही थी लेकिन हाँ। परिवार में जो खुशी थी वो मातम में बदल गई है हाँ, एक माँ का लाल चला जा उस माँ पे के बीत रही होगी आप सोच भी नहीं सकते एक माए समझ सके ये दर्द तो आप कैसी मांग जाओ प्रशासन से देखो रामबज तो गया लेकिन उसके जो दोषी है उन्हें सख्त सजा मिलनी जरूरी है उन्हें ऐसी सजा मिले अक्की से माँ का बेटा नीचे ने वह भी है ना नुए है ना दुनिया में तो चले जावे वो उनका फांसी का हुक्म हो मैं तो यह चाहूँ हूँ अक्की से देश में आतंक नहीं फैल रहा है भाई वो कुछ भी कर रहे थे तो मेरे बेटे के पीछे ले लिए थे जान क्यों ली मैं तो यूँ है ना यह बार बार है ना पूछूँ हूँ भाई क्यों जान ली भाई पहल की रंजिश थी क्यों थी किस कारण थी किस लिए जान ली गई अरे जान लेना किसी की आसान बात नहीं है मारा पिट्टी हो जा कर कोई बात को नहीं होती पर ऐसा जुलम तो है ना मेरे घर में होया ऐसा जुलम किसे मांग लेना पुलिस की ऐसी कार्रवाई कर रही है ये पुलिस तो है ना उन्हें गिरफ्तार कर रखे हैं वो हनु कैमरे में आई हनु कौन पिछाना था सीसीटीवी में आई हाँ पूरे आई है वो जित हने मार के गिर रखा ना उनका लाग रहे होंगे मन तो दे उस जगह का बेरन भाई मन कौन जान दे था मैं तो जच्चा दौरा थी तो वह सारा मौका है ना उन देख रखे और उस मार भी रहे हैं बड़ा बेरहमी थे उसको परवार किया गया है और चार इट्टा कट्ठी पाड़ के और जब उसका सर को परवार गया है कुछ नहीं कहना चाहती मन इंसाफ चाहिए देखो बेटा नू बताओ इतना दर्द हुआ किसी हो सके क्या बता देता हाँ ऊपर तो जच्चा है अरे उधर दहन है इतना मात्र में छह रहा है कि भाई जो भी सुने है ना वही बात है और मेरा तो भीतर तो मेरा है ना इतना उगल उगलाव है मैं दिन रो लू रहा तो लू मन के दिख है मन दिखता नहीं है ये उसने किस चीज का दिल दो बजूगा नू बताओ गल माँ भी नू छाती का लाने वाली को नहीं हाँ मैं माँ ला ले चाहे सासू ला ले मैं कई एक साल जीऊंगी इसे इसे दुगाड़ी लग गए मोनिका तो रामबज कुछ बता के गए थे आप तय कि उसकी किसी के साथ में लड़ाई लड़ी हुई हो ना जी कोई कुछ बता के ना कुछ भी नहीं बता के गए ओ उसके माँ बाप तो नहीं बताया लेकिन पति पत्नी आपस में सारी बात शेयर कर रहे हैं आप तो बता दिया ना जी मेरे तो कुछ लड़ाई दंगे के बारे में कुछ मैटर को नहीं था ना कदे उनका फोन फान आया ना कोई फोन फान ना आया उनका नुके थे पार्टी कर रहे थे आपस में लड़का होने की खुशी में यहाँ से 10 बजे चले गए थे वे 10,000 रुपये लेके गए थे घी लेने के लिए उन्होंने ताश खेले हुए फिर उन्होंने पता नहीं उन्होंने पार्टी की कि नहीं की हम तो घर ही थे उन्होंने उनके साथ PFI की बाद में उसको बुरी तरह से मार दिया लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी यही तो लास्ट बार बात जब गए जब बोल के गए थे बस थोड़ी से बोल के गए थे मैं थोड़ी देर में आऊँगा बस उसके बता के गए थे आपको थोड़ी देर बाद आऊँगा फिर पूरी रात घर पे नहीं आए पूरी रात इंतजार किया सामान लेने गए थे मेरे लिए घी लेने के लिए गए घी लेने खातर गए थे देखो मन का खातर और वापिस नहीं आए हैं सुबह तो उसकी लाश ही आई तो मेरे लाशें मिली अपने पके बीत रही होगी जिसका पति की इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और देखो जच्चा है इसने इसका जो बच्चा है इसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा इसने तनु भी नहीं मेरा बाप ओवे के है यो भी बड़ा होकर ना बाप पूछेगा मेरा पापा कड़ा है
तो देखो इंसाफ तो मिलना चाहिए परिवार ने, जो हत्यारे हैं उन्हें सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। और आज तो इसकी हत्या करी, कल न किसी और की भी कर सके, वो तो वह खुले नहीं घूमने चाहिए, उन्हें सख्त सख्त सजा होनी चाहिए बिल्कुल।